हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो वेलकम टू द अनदर व्लॉग गाइस। आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ, तो अजीब अजीब सा लग रहा है मेरे को। तो हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल लोक, मैं, मेरे मामा जी, मेरी मामी जी और मेरी छोटी सी बहन। तो अभी बज रहे रात की 2:22 और हमारी ट्रेन है 2:45 पे। तो गाइस व्लॉग में एंड तक बने रहना, मैं आपको पूरा उज्जैन महाकाल लोक घुमाने वाला हूँ और व्लॉग में एंड तक बने रहना। ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। फाइनली उज्जैन आ गए और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखो तो गाइस अभी हम थे राम घाट के जस्ट सामने, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने इतना वीडियो लिया यार, यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत दिक्कत वाला बात है। तो हम भी यहाँ स्नान करेंगे, उसके बाद मिलते हैं अपन थोड़ी देर में। तो गाइस मस्त नहा धो के तैयार हो गए और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, देख सकते हो आप सोनाक्षी। आ गाइस चलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय। तो गाइस अभी हम मंदिर के अंदर तो आ गए, देखो अभी दर्शन वर्शन करेंगे, उसके बाद में पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सोनाक्षी खा रही खाना, मैंने तो खा भी लिया। तो गाइस जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, हम महाकाल लोग गए थे, मतलब मंदिर गए थे, तो उसमें क्या हुआ, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, मतलब पहले ही मोबाइल जमा कराना था, तो हमने पहले ही मोबाइल जमा करा दिया था, तो मैं वहाँ का मतलब शूट कर ही नहीं पाया। और है ना, जैसा मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ वैसा बनी रहा, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल मतलब इतनी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल चेक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो अभी मैं था यहाँ पे और कौन सा पता नहीं कौन सा सिद्धि पता नहीं कौन सा मंदिर है, वहाँ पे हम खाना यहाँ बैठ के हमने खाना वाना खाया। और अभी देखो ऊपर जाके बताता हूँ भाई जी, यहाँ पे हर सिद्धि मंदिर ये, और हमने वहाँ पे बैठ के खाना खाया। चलते हैं अंदर देखते हैं कैसे, चलते हैं अंदर देखते हैं कैसे कैसे। यहाँ पे भी अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था। बंदर 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 रो ये सोनाक्षी के जितने भी दोस्त, सोनाक्षी के दोस्त बैठे हैं, देखो सोनाक्षी के दोस्त। अभी हम जा रहे हैं सांदीपनि आश्रम, ये देख सकते हो। तो अंदर जाके मैं बताता हूँ तो आपको क्या सीन। अब हम सांदीपनि मंदिर में थे, जो कि ये रह गया। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने भोलेनाथ जी की वो क्या कहते हैं शिवलिंग स्थापना की थी, और ये कुंड भी बनाया था, और उन्होंने यहाँ के शिक्षा हासिल की थी। तो आप यहाँ पे इसे बहुत सारा दे रखा है। तो ऐसा था गाइस ये पूरा सांदीपनि आश्रम, यहाँ पे था बीच में कुंड, और वहाँ पे वो मंदिर जहाँ पे कृष्ण भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की थी, ये रहा मैं। अभी हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर। इतनी बड़ी लाइन थी तो मैं तो लगा ही नहीं दर्शन करने, क्योंकि यार मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं यार। तो मैं तो तीन मंदिरों जाना है, तुम्हें तो क्या मतलब लाइन में लगने से। देखो लाइन, और नीचे हवन चल रहा है, देखो सामने दिख रहा है ना, ये पक्षियों का घर है, देखो ऊपर बतख घूम भी रही। तो गाइस वो टेम्पो वाले भैया हमें तीसरा मंदिर घुमाने लाए, और ये कौन सा है, श्री काल भैरवनाथ मंदिर। चलो इसके अंदर देखते हैं कैसे क्या है। तो यहाँ भगवान के दारू चढ़ते, अब हम जाने वाले हैं चौथे मंदिर में, माता जी का है देखो, तो चलो चलते हैं। चौथा मंदिर है माता जी,
तो गाइस ये जो पीछे आपको दिख रहा है जामे का भी गाया था गणेश भगवान के मंदिर, ये राम भगवान ने की थी गणेश जी की स्थापना। चलो अब एक और मंदिर चलते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये महाराज विक्रमादित्य का स्तंभ है, देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ और भी मूर्ति है। अभी तो हम यहाँ पे ना रेस्ट करने आए थे तो हमको पता चला कि ये सब भी है यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद शाम पड़ जाएगी उसके बाद हम वहाँ जाएंगे और पूरा महाकाल लोक देखेंगे। पीछे से देखो कैसी लग रही है विक्रमादित्य महाराज की। ये जो पीछे वाली जगह थी ना ये तो हमने देख ली, यहाँ बस विक्रमादित्य का स्तंभ बना रखा है बड़ा सा, और आसपास छोटी मोटी कुछ मूर्ति है और ऐसा कुछ है। देखो यहाँ से गेट, जैसे ही हम ये गुफा टाइप में एंटर करते हैं तो हमें तपस्या करते हुए बोलना चाहिए, पीछे आशीर्वाद देते हुए बजरंग बली। प्यार देखो, प्यार ऐसा प्यार होना चाहिए। मैं तो देखो यार ऐसा है कि ना मेरे को इतना पता नहीं कौन सी क्या मूर्ति है और किसकी मूर्ति है। क्या हुआ सोनाक्षी, थक गई क्या? थक गई क्या? तो थक गई क्या आप बोलो? जो मेरे पीछे दिख रहा है ना ये भारत माता मंदिर है। यहाँ पर एक और शिव जी की प्रतिमा है जस्ट मेरे सामने। इसको इसीलिए महाकाल लोक नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ शिव जी की प्रतिमा बहुत ज्यादा है। तो पीछे आपको दिख रहा है ना बोलना जी, ये पीछे अमृत पी रहे हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वो वाला सीन है। देखो ये देखो, मैं जैसे ये रावण का ये वाला सीन बताया ना मैंने आपको, इन्होंने कैलाश पर्वत उठा लिया था, उसके बाद देखो यहाँ का सीन कितना अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा देखो बहुत अच्छा सीन लग रहा है यार। ये वजन क्या है मेरे तो समझ से बाहर की बात। चलो और आगे चलते हैं, मैं आगे और बताता हूँ आपको। चलो चलते हैं, थक गई। गाइस ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना आप शिव जी, ये जब पार्वती से शादी करने जा रहे थे तब का सीन है। ये देखो और आगे चलते हैं। ये जो मेरे पीछे एक और प्रतिमा दिख रही है ये शिव जी और पार्वती जी की है, देखिए। और इसके आगे ये जो मेरे पीछे दीवार दिख रही है ना, ये जो आर्ट किया गया है या फिर ये जो नक्काशी की गई है, ये पूरी शिव गाथा लिखी हुई है इसमें। पूरी शिव जी कब से लेके कब विवाह हुआ, कब क्या हुआ, ये पूरी लिखी हुई है। और ये पूरी दीवार 1 से 1.5 किलोमीटर में फैली हुई है, शायद ये लंबी है। ये मेरे जस्ट आगे काल भैरवनाथ की प्रतिमा, यहाँ पे साफ सफाई का काम भी चालू है। पे महाकाल लोक उज्जैन में ना एक बार तो सबको आना ही चाहिए। यहाँ की इतनी मान्यता है कि यहाँ हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। इसके मेरे पीछे बैठने की व्यवस्था भी की गई है, इसके ऊपर है ना सोलर प्लेट लगी हुई है। और ये जस्ट इसके मेरे आगे कमल कुंड है, देख सकते हो आप, भोलेनाथ जी तपस्या कर रहे हैं और कमल कुंड। और ये जो पहले वो जो आगे का है ना वो पहले से ये जो मतलब आगे आगे का है ना, ये अभी अभी आगे तो ये अभी बनाया गया है, वो आगे का तो पहले से ही है। बहुत अच्छा सीन लग रहा है यहाँ पे। मैं आ गया हूँ यहाँ की स्टार्टिंग की ओर, यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है देख सकते हो आप जस्ट नंदी द्वार के सामने। और यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, आकाश तारों का लिंगम पातल हाटकेश्वरम मृत्युलोक महाकाल त्रिलिंगम नमस्तुते। तो मैंने सोचा क्यों ना आगे से भी आऊँ, तो यहाँ पे आगे जब है ना लाइट्स लगती ना तब रात को बहुत अच्छा लगता है। तो
वैसे तो मैं पीछे से आगे आया, पर मैंने सोचा आगे गेट के अभी चलना चाहिए अपन को, और देखते मतलब रात तक रुकेंगे तो लाइट्स भी दिखेगी, तो मैं आपको लाइट्स भी दिखाऊंगा। और चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या सीन है। मेरे पीछे त्रिशूल बना हुआ है, देख सकते हो आप ये, और ये जो दिख रहा है ना, ये बैठने की व्यवस्था की गई है, इसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। और ये देखो इस यहाँ पे जैसे सामने देखते हैं, सामने का भी जो शावर चल रहा है वो इतना अच्छा लगता है ना, ये देखो इतना अच्छा व्यू लगता है ना, ये देखने लायक है। गाइस मेरे पीछे तो कमल कुंड है जो मैंने बताई दिया, और मेरे जैसे सामने सप्त ऋषि है जो कि शिव जी के शिष्य थे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये पास वाला 7, और इसके आगे चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे ही सीन है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और ये देखो यहाँ पे हर एक मूर्ति इतनी अच्छी बनाई गई है, और इतनी अच्छी लग रही है ना कि मतलब क्या ही बोलूँ। और अब इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैसे क्या सीन है, चलो। और गाइस यहाँ पे एक बीच में पौधा लगा हुआ है, और देखो बीच में जगह छूटी हुई है, ये भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अभी के टाइम पे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, देखो ये मेरे जस्ट आगे गणेश जी नृत्य करते हुए डांस। और ये जो मैं बताने वाला हूँ अब, ये मूर्ति 2 करोड़ से भी ऊपर है, ऐसा मैंने पढ़ा है और मैंने ऐसे वीडियो भी देखी है। तो ये है मेरे सामने वो मूर्ति जो 2 करोड़ से भी ज़्यादा की है, ऐसा मैंने पढ़ा है और वीडियो भी देखी है। और वो जो आगे पीछे है ना, वो शिव जी मार रहे हैं त्रिपुतासुर को, और उनके आगे जो रथ चला रहे हैं वो है ब्रह्मा जी। तो ये ऐसा कुछ व्यू इनका अभी से। जस्ट आपको ये बताया अभी, रथ के जस्ट सामने है कार्तिक के प्रभु की प्रतिमा, देख सकते हो ये भी बहुत अच्छी लग रही है। जैसे मैंने वहाँ पे वो रथ देखा, और मैं नीचे उतर के यहाँ आया, और यहाँ पे सामने का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है यार। यहाँ से मैंने ये व्यू आपको वहाँ से बताया था, और अब मैं यहाँ आके बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखो मैंने पूरा घूम लिया यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है जस्ट ये रथ के जस्ट सामने, एकदम ठंडे पानी की व्यवस्था। ओके सो शाम की बज रही है 7, तो हम यहाँ रुके थे लाइट देखने के लिए, लाइट चली नहीं, तो हमारी ट्रेन है 7:30 बजे तक, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस व्लॉग की करते हैं एंडिंग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। समय हो गया यहाँ से जाने का, और यहाँ का सनसेट देखो यार कितना अच्छा लग रहा है यार, कसम। तो देखो